हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSP टेक में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको इसकी जो है फर्स्ट सर्विस के बाद स्कूटी की जो है आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें हमें क्या इसका मुझे अच्छा लगा और क्या इसमें जो है मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया। तो इसकी पहली सर्विस हो चुकी है दोस्तों हाल ही में, और जो सर्विस मैंने कराई थी वो लगभग 300-400 किलोमीटर पर कराई थी। हालांकि मेरी गाड़ी ज़्यादा इतना चलती नहीं है, तो इस बारे में भी बात कर लेंगे कि इसमें मुझे अभी तक क्या कुछ दिक्कतें आई हैं इस स्कूटी में, और उसका क्या रेजोल्यूशन मुझे मिला है फर्स्ट सर्विस पे, उसके बारे में आज के वीडियो में बात होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली सर्विस मैंने इसकी करा ली है, और जो है 1 मंथ का टाइम दिया था या 1000 किलोमीटर पर। हालाँकि मेरे 1000 किलोमीटर पूरे नहीं हुए थे, लेकिन जो है 1 महीने का समय पूरा होने वाला था, तो मैंने इसकी पहली सर्विस करवा ली है। तो जो मैंने सर्विस करवाई है वो मैंने आपको मीटर पे शो कर दिया है। इस समय जो है लगभग 44 के आसपास का जो है माइलेज दे रही है मुझे स्कूटी, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे सर्विस के दौरान वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस पहली सर्विस थी तो कुछ उसमें होना नहीं था खास, खाली जो है उसमें 3 तरीके के फ्लूड डाले गए हैं। पहला जो इंजन फ्लूड डाला जाता है मोबिल ऑयल अपना, वो डाला गया था। दूसरा जो है ब्रेक ऑयल जो है या गियर ऑयल कह लीजिए, वो डाला गया था। और तीसरा जो है कार्बन ऑयल डाला गया था कार्बन क्लीनिंग के लिए अपना टैंक के अंदर, इनर टैंक में। तो ये 3 तरीके के फ्लूड डाले गए थे। बाकी उसमें एक मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी स्कूटी में कि जो है थोड़ा सा इसके जो ये फ्लैप हैं ये जो है थोड़ा सा जो है आवाज़ कर रहे थे, कहीं कहीं पे हिल रहे थे, तो इस वजह से जो है मैंने उसके लिए थोड़ा शिकायत करी थी। और दूसरा जो है डिस्क पैड जो है इसके, वो थोड़ा आवाज़ कर रहे थे, यानी कि जब मैं ब्रेक लगा रहा था तो हल्की हल्की उसमें जो है नॉइस आ रही थी हल्की हल्की कहीं पर। तो ये 2 चीज़ों की कंप्लेंट करी गई थी, और जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जो मैंने उसमें वीडियो क्लिप बनाई है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि उन्होंने जो है थोड़ा बहुत से क्लीनिंग कराया है, और जो है इसके जो अंदर के ब्रेक शूज़ थे उन्हें जो है घिसा है उसमें, और घिसने के बाद जो है उसे क्लीन कराया उन्होंने, और उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है पहले के मुकाबले। जो है अब आवाज़ ना के बराबर रह गई है उसमें, और जो कि उन्होंने कहा समय के साथ जो है चलते चलते थोड़ा सा जब ब्रेक पैड घिस जाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल आवाज़ आपकी नॉइज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वो अभी हालाँकि पहले से कम है। बाकी उसके अलावा जो है सर्विसिंग फ़र्स्ट क्लास हो गई है, पहली सर्विस हो गई है। बाकी जो है कोई ऐसा इशू मुझे अभी तक इस स्कूटी में जो है बड़ा इशू जो है ख़ास तौर पे नहीं नज़र आया है। सर्विस हो चुकी है, सर्विस में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी गई हैं। जैसा कि मुझे उसमें नोटिस करा मैंने कि सर्विस होने के बाद जो है सिर्फ इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, वॉशिंग नहीं हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ मोटर में इशू है, इस वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाई है। वो आगे जो है इन फ्यूचर जो है उसके लिए वो क्लीनिंग करवा देंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मुझे कुछ इश्यूज़ रहे, माइनर इश्यूज़ जो आए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया डिस्क का इश्यू जो था, जो आवाज़ आ रही थी नॉइस आ रही थी, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मे बी हो सकता है ड्रम ब्रेक जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे डिस्क ब्रेक के मुकाबले, क्योंकि मैंने नोटिस करा है, क्योंकि ABS इसमें है नहीं, और डिस्क ब्रेक अगर मैं लगाता हूँ तो कई कई जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो इस वजह से इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि ताकि जो है स्लिप ना करे गाड़ी। हालांकि स्लिप मेरी अभी तक नहीं हुई है, एक बार भी नहीं। आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा बरसात पड़ रही है इन दिनों, और लेकिन जो है मेरी गाड़ी ने एक बार भी स्किड नहीं करा है। तो इस वजह से जो है ब्रेकिंग ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मुझे रोकनी है तो एकदम से सडन में नहीं रोक पा रहा हूँ, और ये पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न सेम यही लगता है मुझे कि ये स्किड ना करें, शायद इस वजह से कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बनाया है डिज़ाइन जो है, या कंपनी ने कुछ ऐसा दिया है, लेकिन ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं है। और मैं समझता हूँ कोई भी अगर यूज़ कर रहा है तो अगर किसी को लगता है तो मुझे बताएं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास भी ये स्कूटी है तो। और इसके अलावा जो दूसरा इसमें मुझे जो इशू नज़र आया, एक लोगों ने कई बार कहा कि हेलमेट का इशू बहुत ज़्यादा है, हालाँकि ऐसा नहीं है। फुल फेस हेलमेट जो है, कुछ एक हेलमेट जो ऐसे हैं जो इसमें प्रॉपर नहीं फिट होते हैं, अदरवाइज़ जो है इसमें हेलमेट भी प्रॉपर फिट हो जाता है। वो भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा, या इस वीडियो में कहीं पे टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट में आपको जो है दिखा दूंगा कि हेलमेट किस तरीके से प्लेस होने वाला है इसके अंदर। ये तो हो गई दोस्तों इसकी ब्रेकिंग की बात। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो इसका फ्लैप है जो ये हिलता है, और ये किसी ने भी ये स्कूटी ली है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी के साथ ये दिक्कत आती होगी कि ये जो फ्लैप है इसका, ये थोड़ा सा जो है नॉइस क्रिएट करता है, या कह लीजिए थोड़ा सा वाइब्रेट करता है स्टार्टिंग में। बाकी हालांकि आप जब हाईवे पे चलेंगे उसमें चलेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये अपने RPM बढ़ा रही होती है उस दौरान जो है आपको कहीं पे ये इसका जो है हल्का सा वाइब्रेशन नोटिस हो सकता है। ये 2 चीज़ों के मुझे इसमें इशू नज़र आए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है कई लोगों का कहना है मिरर के लिए, मिरर जो है अटकते हैं कई कई जगहों पर। एक तो मेरी बॉडी हाइट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मेरी जो सीटिंग पोस्चर है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, मैं इस तरीके से कुछ बैठता हूँ, तो जिसकी वजह से जो है कई बार जो है इसका उतरने चढ़ने में जो है ये चीज़ अगर मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो ये कई बार जो है अड़ते हैं।
तो इसलिए जो है मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस चीज़ का भी जो है एक फ़र्क मैंने इसमें नोटिस किया है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया सीटिंग पोस्चर मेरा, और क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो है कम्फर्ट इसमें एक 5 फुट 10 इंच से ऊपर के व्यक्ति को इसमें कम्फर्ट बहुत ही ना के बराबर है, उसे कम्फर्ट नहीं आने वाला है, थोड़ा सा उसे दिक्कत महसूस होगी जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। और यदि और कोई भी इसे यूज़ कर रहा है तो ज़रूर से जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ताकि और व्यूअर्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कुछ खास इतनी इसमें रही नहीं, नई स्कूटी है अभी ज़्यादा चली नहीं है। और जो है दोस्तों फर्स्ट सर्विस के दौरान जो इसका चार्जेज आए थे लगभग 575 रुपये करीब चार्जेज आए थे, इन तीनों लिक्विड को डाला गया था, सर्विस हालांकि फ्री थी। तो यही सब चीज़ें रही इसमें, हालांकि धीरे धीरे जो है चलाने के बाद और कुछ चीज़ें मुझे जैसे जैसे पता चलेंगी, आप वीडियो के माध्यम से इसमें जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों खास तौर पे, तो उससे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी आपको पता लगता रहेगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या कुछ खराबी या दिक्कत आ रही है, तो है वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, शॉर्ट्स और वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से पहली सर्विस थी तो कुछ खास इतना होना नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।